आईपीएल से बाहर होने पर भी पंत को नुकसान नहीं, दिल्ली कैपिटल्स से मिलेंगे 16 करोड़ रुपए और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस के बीसीसीआई देगी 6 करोड़ रुपए। असमंजस में भारतीय क्रिकेट टीम, 6 दिन पहले स्क्वाड में स्पेशल एंट्री पाने वाले बुमराह वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर। भारत दौरे के लिए 32 साल का यह ऑलराउंडर कीवी टीम में शामिल, सोटिल हेनरी के कुकिया रिप्लेस, ब्रेसवेल ने घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद से खूब किया है कमाल। जर्मनी में बड़ा आतंकी हमला चला, केमिकल से अटैक प्लान कर रहे दो भाई गिरफ्तार, ईरानी नागरिक है दोनों। ब्राजील में अमेरिकी संसद जैसी हिंसा, पूर्व प्रेसिडेंट के हजारों समर्थक संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसे, तोड़फोड़ की, 400 गिरफ्तार। नए आर्मी चीफ से भी भिड़े इमरान खान, कहा हमारी फौज ने इतिहास से सबक नहीं सीखा, वो अब भी कर रही है सियासत। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के हेनान राज्य की 89% आबादी संक्रमित, जापान में 15 जनवरी के बाद मामले बढ़ने की आशंका। चीन में कोरोना टेस्ट किट बनाने वाली फैक्ट्री ने लोगों को निकाला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दबाव के बॉक्स देखे। इजराइल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कोर्ट को जम कमजोर करने के लिए बिल आ रहा, सामलैंगिक अल्पसंख्यकों को होगा नुकसान। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 100 साल की सबसे खतरनाक बाढ़, ब्रिटेन से 3 गुना बड़ा हिस्सा पानी में डूबा, ट्रॉपिकल साइक्लोन एली की वजह से भारी बारिश। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, इंदौर पूरी दुनिया में लाजवाब, भारत स्किल कैपिटल, ये दुनिया के विकास का बन सकता है इंजन। जोशीमठ बच्चों आने के लिए एक्शन प्लान तैयार, 603 इमारतों में दरारें, 70 परिवारों को हटवाया प्रशासन, बोला रिलीफ कैंप में जाए लोग। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी, बोली मां हमने कर दिखाया, सेरेमनी के लिए भर गया कोर्ट रूम। उन्नाव आगरा एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, बस और डीसीएम की टक्कर में 4 लोगों की मौत, सड़क हादसे में 1 दर्जन से अधिक घायल। हापुड़ में ट्रेलर ट्रक से भिड़ी स्कूल की बस, हादसे में बस में सवार 6 बच्चे घायल, सिंहावली थाने के ठीक सामने हादसा हुआ। चेन्नई पहुंचा यूपी सरकार का डेलीगेशन, उद्योगपतियों से मिले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड में बैठकों का दौर। लखनऊ में विशाल खंड में मेजर अभिजीत सिंह के घर बड़ा हादसा, गोमती नगर में दबंगों ने फूंक दी मेजर की गाड़ी, रिहायशी इलाकों में डीजे बजवाने से रोकने पर दबंगाई। विधानसभा में स्पीच अधूरी छोड़कर चले गए राज्यपाल, तमिलनाडु का नाम तमिलझगम रखने का सुझाव, डीएमके ने कहा आरएसएस के विचार मत थोपो। भोपाल में 6 सूत्री मांगों को लेकर करनी सेना परिवार का प्रदर्शन, भेल चौराहे पर बैरिकेड लगाकर रोका तो सड़क पर सुर्खी हनुमान चालीसा का पाठ। गुटखा पाउच में छिपाए गए थे $44,000, कोलकाता कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा, बैंकॉक ले जा रहा था 32 लाख रुपए।